स्टूडेंट आज हम बात करेंगे, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे थे और प्रीवियसली हमने डिस्कस किया दैट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। आज का लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जैसे कि हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट वन इज योर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक, फर्स्ट इज फिजिकल, सेकेंड इज केमिकल एंड थर्ड वन इज बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो सिंपल थ्री टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट फर्स्ट वन इज योर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकेंड वन इज योर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड थर्ड वन इज योर बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों हमें कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, क्यों हमें फिजिकल कंपोजिशन के बारे में पता होना चाहिए, क्यों केमिकल कंपोजिशन के बारे में पता होना चाहिए एंड क्यों बायोलॉजिकल कंपोजिशन के बारे में पता होना चाहिए। तो ये सारी प्रॉपर्टीज, ये सारी कंपोजिशंस हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी फैसिलिटी को डिज़ाइन करते हैं तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम फिजिकल कंपोजिशन की बात करेंगे तो देयर आर सम मेजर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स तो मेजर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में आपकी, जैसे प्रीवियसली हमने डिस्कस किया दैट इज व्हाट डेंसिटी, सेकेंड इज व्हाट मॉइस्चर कंटेंट, एंड थर्ड अगर हम बात करें तो व्हाट पार्टिकल साइज। तो ये प्रीवियसली हमने डिस्कस किया हुआ है कि डेंसिटी का रोल क्या है, मॉइस्चर कंटेंट का रोल क्या है और पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन का रोल क्या है। और अगर अदर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो अदर्स में आपका कलर की बात, कलर आपको पता होना चाहिए, शेप ऑफ द कंपोनेंट पता होना चाहिए, शेप ऑफ द कंपोनेंट, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए, एंड ऑल्सो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। सो ये हमारी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आ जाता है, ठीक है। नाउ आज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज व्हाट केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में आपका, क्यों हमें केमिकल कंपोजिशन के बारे में पता होना चाहिए या क्या क्या केमिकल कंपोजिशन हैं हमारी जो वेस्ट के अंदर हैं वो हम पता कर लें। तो अगर हमें सॉलिड वेस्ट को फ्यूल की तरह यूज करना है और एनी अदर पर्पस के लिए यूज करना है तो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो केमिकल कंपाउंड्स एंड उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमें क्लियरली आइडिया होना चाहिए ताकि हम क्या पता कर सकते हैं, बिहेवियर ऑफ वेस्ट। तो द रिक्वायरमेंट ऑफ understanding of chemical composition is what? To know about the behavior. To know about the behavior of ठीक है। तो अगर हमें कोई सिस्टम डिज़ाइन करना है, ठीक
ठीक है, तो एक ब्रीफ ले लेते हैं। तो यहाँ पे फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स में हमने डेंसिटी, मॉइस्चर कंटेंट, पार्टिकल साइज एंड अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज को डील किया था, ठीक है, एंड देखा था क्या रोल प्ले करते हैं ये, ठीक है। आज के लेक्चर में जो हम डील करेंगे दैट इज योर केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल करेक्टरिस्टिक्स। सो वाई इट इज इम्पॉर्टेंट दैट नॉलेज ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड एंड देयर करेक्टरिस्टिक्स इज इसेंशियल फॉर द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिहेवियर ऑफ, तो बिहेवियर हमें पता होना चाहिए, ठीक है, कि हमारा जो भी जनरेट किया हुआ वेस्ट है वो किस तरह से बिहेव करेगा। तो हमें नॉलेज होनी चाहिए उसके केमिकल कंपाउंड्स की, नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, तभी हम एक अच्छा एक सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हैं। द यूज सॉलिड वेस्ट एज फ्यूल और फॉर एनी अदर पर्पस देयर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स शुड बी नोन। अगर हम किसी भी सॉलिड वेस्ट को फ्यूल की तरह यूज कर रहे हैं तो हमें उसकी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का पता होना चाहिए। तो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज व्हाट लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक ऑर्गेनिक मटेरियल दैट इज प्लास्टिक, नॉन कम्बस्टिबल, हीटिंग वैल्यू, अल्टीमेट एनालिसिस एंड प्रॉक्सिमेट एनालिसिस। अब देखिए, अगर एनर्जी रिकवरी की बात करते हैं तो हमें कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में भी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर लिपिड्स की बात करेंगे तो दिस क्लास ऑफ कंपाउंड इंक्लूड फैट, ऑयल, ग्रीस एंड देन प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लिपिड्स आर गार्बेज, कुकिंग ऑयल एंड फैट्स। लिपिड्स हैव हाई हीटिंग वैल्यू, इस पॉइंट को ध्यान रखना, अबाउट 38,000 किलो जूल पर केजी, विच मेक्स देम सुइटेबल फॉर। तो जब एनर्जी रिकवरी की बात करते हैं तो लिपिड्स प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, सिंस लिपिड्स बिकम लिक्विड एट टेम्परेचर स्लाइटली अबव एम्बियंट, ठीक है, सो दे एड टू द लिक्विड कंटेंट ड्यूरिंग वेस्ट डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो लिपिड्स इंपॉर्टेंट प्लेस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। दो दे आर द बायोडिग्रेडेबल, द रेट ऑफ बायोडिग्रेडेशन इज रिलेटिवली स्लो बिकॉज लिपिड्स हैव लो सॉलिबिलिटी इन वाटर। ये करेक्टरिस्टिक्स भी हमको ध्यान रखनी है, ये ऑयल फैट्स के, ये आपको कुछ डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं वो दिख रहे हैं। नेक्स्ट वन इज कार्बोहाइड्रेट, दीज आर फाउंड प्राइमरली इन फूड एंड यार्ड वेस्ट विच encompass sugar and polymer of sugars that is starch, cellulose, etc. General formula यहाँ पे लिखा हुआ CH2O. Carbohydrates are readily biodegradable to product such as carbon dioxide, water and methane. Decomposing carbohydrates attract flies and rats and therefore should not be left exposed for long. So, ये important है because ये health को harm कर सकता है, तो decomposition डिकम्पोजिंग कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, तो हमें बहुत ज़्यादा देर तक इसको एक्सपोज नहीं रखना है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज प्रोटीन, दीज आर कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन्स, हाइड्रोजन्स, ऑक्सीजन्स, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एंड कंसिस्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक एसिड विद ए सब्सटीट्यूटेड एमीन ग्रुप NH2। दे आर मेनली फाउंड, तो हमें एक सोर्स ध्यान रखना है कि सोर्स कहाँ पे, उनकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या है ताकि एनर्जी रिकवरी में हमको मदद मिलेगी, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट क्या है उसका, ठीक है। द पार्शियल डिकम्पोजिशन ऑफ दिस कंपाउंड कैन रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ एमीन्स दैट हैव अनप्लीजेंट अडर। तो यहाँ पे इसका प्रॉब्लमेटिक पॉइंट क्या है, अनप्लीजेंट अडर। कार्बोहाइड्रेट का प्रॉब्लमेटिक पॉइंट क्या था कि वो डिकम्पोजिशन डिकम्पोज जब होता है तो फ्लाइज को अट्रैक्ट करता है, तो हेल्थ आस्पेक्ट से बुरा। ये भी आपका एक पॉइंट यहाँ पे प्रोटीन के केस में क्या है, अनप्लीजेंट अडर। नेक्स्ट इज नेचुरल फाइबर, दीज आर फाउंड इन पेपर प्रोडक्ट, फूड एंड यार्ड वेस्ट दैट आर रेजिस्टेंट टू बायोडिग्रेडेशन। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस हैं सभी के, इसका सोर्स क्या है, पेपर प्रोडक्ट, फूड एंड यार्ड वेस्ट। प्रॉपर्टी क्या है इसकी, दे आर हाईली कम्बस्टेबल सॉलिड वेस्ट हैविंग ए हाई प्रोपोर्शन ऑफ पेपर एंड वुड प्रोडक्ट, दे आर सुइटेबल फॉर इंसिनरेशन। तो ध्यान रखना इंसिनरेशन में ये मदद करेगा, ठीक है। हीटिंग वैल्यू, an evaluation of potential of waste as a fuel for incineration requires a determination of its heating value expressed as kilojoule per kilogram. तो heating value हमको पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये incineration में आपकी help करेगी। The heating value is determined experimentally using the bomb calorimeter test. ये एक test है specific जिससे हम heating value को calculate कर सकते हैं, in which the waste of specific quantity is heated at a constant temperature of 25 degrees centigrade.
risk that is known to all of us, that they are highly resistant to biodegradation and therefore are objectionable and of special concern in SWM. ये हम पहले ही इस पॉइंट पे फोकस कर चुके हैं कि प्लास्टिक जो है हमारा बहुत ही हार्मफुल है आज की डेट में और आगे आने वाले समय में ही अगर हमने कंसर्न नहीं दिया तो. प्लास्टिक है हाई हीटिंग वैल्यू, बेनिफिट्स हैं अबाउट 32,000 kg पर kg विच मेक्स देम वेरी सुटेबल फॉर इंस्टॉलेशन. तो कुछ पॉइंट एडवांटेजेस हैं, कुछ पॉइंट हमारे डिसएडवांटेज भी हैं. ठीक है, अगर हम डिकम्पोजिशन के टर्म में बात करें तो इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल. ठीक है, वेरी वर्सेटाइल मटेरियल, चीप है इसलिए इसका यूज बहुत ज़्यादा है और वही इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसी ने इसको हार्मफुल बना दिया. जैसे पीवीसी व्हेन बर्न प्रोड्यूसेस डायोक्सिन, डायोक्सिन इज वेरी हार्मफुल फॉर हेल्थ एंड एसिड गैस. दिस इंक्रीजेस कोरोजन इन द कंबशन सिस्टम एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन. नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, इट इंक्लूड्स बायोडिग्रेडेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट ऑर्डर ब्रीडिंग ऑफ फ्लाइज. दिस इज व्हाट बायोडिग्रेडेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट कंपोनेंट, वोलेटाइल सॉलिड्स कंटेंट डिटरमाइंड बाय इग्निशन एट 550 डिग्री सेंटीग्रेड इज ऑफन यूज्ड एज ए मेजर ऑफ बायोडिग्रेडेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपोनेंट. वोलेटाइल सॉलिड्स, the use of volatile solid in describing the biodegradability of the organic component is misleading as some of the organic constituent are highly volatile but low. So yahan pe volatile and biodegradability pe humko dhyan dena hai. theek hai, kuch substance jo highly biodegradable hote hain but low volatile hote hain, kuch aapke highly volatile hote hain but low in biodegradability. ye equation hai. alternatively the lignin content of waste can be used to estimate the biodegradable function fraction using the following relation. theek hai, to biodegradable fraction that is bf is equal to 0.83 minus 0.02 lc. theek hai, to yahan se hum biodegradable fraction ko calculate kar sakte hain. waste with high lignin content are significantly less biodegradable. तो यहाँ पे एक रिलेशन हमें मिल रहा है दैट हाई लिग्निन कंटेंट दैट इज एलसी तो वो लेस बायोडिग्रेडेबल होगा. थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर. तो ओवरऑल हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को डील किया हुआ है.